तो ईडी को तो डर माने है, जगह 1000-2000 करोड़ की पार्टी है, मैं तो एक गरीब किसान को बैठो हूँ और गांव में रीढ़ो आदमी हूँ, तो खाई ईडी ले। अब कोई आरोप लगावे कहीं को जमाई फंस गो सीबीआई में, तो क्यों मारो जमाई कोई अपी में डोडा थोड़ी भेज तो है, तो वो नौकरी करे और वो अगर गलत काम करियो तो वो भुगती यार। इसपाल मिर्दान का ही तकलीफ है, ईडी ईडी का सब ईडी को आरोप लगा हुआ है हनुमान जी बेनीवाल, और बेनीवाल जी आज 2000 करोड़ की खुद पार्टी है। क्यों है कि हमारे ही कांग्रेस का एक नेता हूं मिल, और मैं जका समाज हूं भी समाज ने खत्म करने में तुल्योड़ा है, और भी मैं बांका सहायक बनियोड़ा है, तो समय समय पर आने उपचुनाव में दरियाबाद उपचुनाव में आने 50 करोड़ रुपया दिया, हर उपचुनाव में आने पया दिया, और जाट के सामी जाट लड़ाउन का आने पया, बैठाउन का पया, सुनलावे तो पया और उठाने तो पया, पया वो पार है कहीं भाई। नेतागिरी करो आप, पर नेतागिरी करो एक विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा मात करो आप, मूल्यों की राजनीति करो यार। मैं एक दूजा मात आरोप लगावा, मैं कहूं हनुमान जी नेता थे बनो, पर ठगाई की राजनीति मत करो। राजस्थान का कितना युवा मान थे बर्बाद करिया, 2000 लड़का मारा नागौर का मामा मुकदमा चल रही है, और मारकन ने 15 करोड़ की जमीन ही बंसी जी नागौर मानासर चोरा है, मत मैं समाज ने दीवी भी 150 लड़का नौकरी मिला गया, और ऐ समाज का जगह अजय सिंह चोटाला मारे साथ एमएलए रियोड़ा बे चांदी की ईंट मंगार वीर तेजा जी का मंदिर माते रखवाई भी ईंट ने निकलवार आरोप लगाए और के ईंट नकली है, और वो आदमी 100 करोड़ रुपया लगाऊं क्या आरोप तेजा जी का भव्य मंदिर बनाओ, एडी बात करे यार। अब तो समाज समझ जाए धीरे धीरे समझ, इतना जाट मैं जानू इतना मूर्ख कौन नहीं। तब आज बायतू में भी सभा है, और बायतू में आरएलपी का काफी प्रभाव है। है तो आरएलपी का प्रभाव उल्ला, मैं तो जटान मारी बात समझाऊ ना आयो हूँ, मैं तो कैलाश जी के पक्ष में प्रचार करने आयो हूँ, और मारा समुदाय ने अपील करने आयो हूँ, मैं जेकी जाती हूँ भी जाति ने समझाऊ ने आयो हूँ, और मैं आके हूँ कि भाई अलग अलग वोट दे, और आज थे भाजपा को राज ऊपर है, भाजपा को राज नीचे है, तो थे दो घोड़ा दौड़े और बीच में कोई टार्डो निकल गो तो और नुकसान किन हुई माने हुई माने तो कोई नुकसान को नहीं। तो मैं कोई मारी देखो कोई स्वार्थ नहीं है, न मन चुनाव लड़नो है न मन कोई पद लेनो है, मारे बेटो चुनाव लड़े बो लार लिवार एमएलए हो, मैं तो भी नहीं लड़ा दे चुनाव, बाकी मैं तो अब पार्टी ने जीव उधर तक मजबूत कहन हो सके एक वास्ते प्रयास करो। देखिए हरीशपाल जी मिर्जा ने पूरी बात बताई और हनुमान बेनीवाल के आरोपों का भी जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो आजीवन प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, और कई मुद्दों पर चर्चा की बात की। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बालोतरा से बंसी चौधरी।